हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या हाल है? सब बहुत बढ़िया है सर जी। बस भाई। रिपोर्ट सर आ गई मेरी, हाँ जी, कल मेरे को दिखाना संजय गांधी में। हाँ जी, रिपोर्ट सर आ गई आज है। हाँ, तो हीमोग्लोबिन है 9.40, कितना? 9.40। अच्छा, कम हो गया। यूरिया 48। अच्छा, यूरिया कितना रेंज होता है? 43 तक होता है या 43 होता है नॉर्मल एकदम। 48 हमारा आ गया। पर ये आपने उसके बाद आया ना, डायलिसिस के बाद में? जी सर। हाँ, हाँ। सीरम केटलिन आ गया 3.93। 3.93। अच्छा, हाँ जी। ठीक है ठीक है, वो तो आना ही था। यूरिक एसिड 1.5। 1.5, जी सर। वो तो बहुत कम हो गया ना। हाँ, कैल्शियम है 10.10। अच्छा, वो तो ठीक है। पोटेशियम है 7.30। क्या चीज? पोटेशियम, पोटेशियम कितना? 7.30। ये तो बहुत ज्यादा है। एल्बोमिन है 4.15। अच्छा, सोडियम 133 है, नॉर्मल आ गया एकदम। हाँ, पहले कितना था? हाँ, पहले कितना था सोडियम? पहले हमारा था 130, नहीं 150 के लगभग था करीब। कितना? 150। हाँ, वो भी ठीक होता है। पोटेशियम 3.6 है पोटेशियम 3.6 जी। क्लोराइड है 10.1। पहले पहले आपने 7 पॉइंट क्या बताया था? सेवन पॉइंट प्रोटीन। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है फिर तो। एल्बोमिन है सर एक दे रहा है हाँ, 4.50। हाँ, ये रिपोर्ट है आज का। कैसा लग रहा है आपको? स्वेलिंग वगैरह सब खत्म हुई कि नहीं हुई? स्वेलिंग से थोड़ी सी हल्की सी हमारी जो है, हाँ, जो स्वेलिंग पैरों में थी, हाँ, वो कल रात में नीचे आ गई, घुटने पे आ गई है। पहले कहाँ थी? जांघों में थी। हाँ, जांघों में लग रहा था ये, है ना। हाँ, तो पानी 2-3 बार निकला कल, जो हम डायलिसिस जब कराए हैं। हाँ, तो हमारा 3 लीटर पानी करीब निकला है। अच्छा, और वेट कितना हो गया? वेट हमारा इस समय हो गया 70-100। पहले से कम हो गया? पहले से काफी कम है। पहले तो 74 था ना। हाँ, इसमें आपकी पारी प्लस पॉइंट ये हुआ, हाँ, कि जो वेट हमारा बढ़ता था, हाँ, उसमें 1 किलो सर कम बढ़ा आपकी पारी। कितना कम बढ़ा? 1 kg। नहीं, पहले तो 74 था ना। हाँ, 74 था। हाँ, अभी 71 हो गया। हाँ, 70, अब 70 हो गया। तो अभी तो 3-4 किलो कम हो गया ना। हाँ, 3-4 किलो कम हो गया। लेकिन फिर इसमें जो बढ़ता, फिर जब नेक्स्ट बार हम जाते थे, हाँ, तो फिर 74-500 आ जाता था। हाँ, आपकी पारी 73-400 पे रहा। अच्छा, 73-400। आपका पानी निकलवाने के बाद 70 आया था? हाँ, पानी निकलवाने के बाद 70 आया था। अच्छा, तो वैसे 73-400 था। हाँ, वैसे 73-400 था। चलो, 1 लीटर तो कम हो गया। 1 लीटर सर कम हुआ ये है। तो अभी वॉक एंड रेस्ट चल रहा है? चाय बंद है? दूध बंद है? चाय दूध तो मैंने सर एकदम छोड़ दिया है। और फल वगैरह? फल लेते हैं अपना, अमरूद लेते हैं। नहीं, फल बंद कर दो ना। फल बंद कर दें? हाँ, फल रोज चल रहा है शुरू से क्या? ये अमरूद खाते हैं, पपीता खाते सर, बस रोज। रोज खाते सर, थोड़ा थोड़ा। नहीं नहीं वो बंद कर दो, इसको बंद कर दे। चाय दूध बिल्कुल बंद है ना? चाय दूध तो एकदम नहीं पीते एकदम। और पानी कितना चल रहा है? पानी सर वही पी रहे हैं, मतलब आधा गिलास पानी पीते हैं खाना खाते समय। हाँ, आधा गिलास पानी शाम को खाना खाते तब पीते हैं, दोपहर में जब खाना खाते तब पानी पीते आधा गिलास। है तो पूरे दिन में आधा आधा गिलास पी रहे हो? आधा आधा गिलास कभी सर मन कर गया वाला जो है। हाँ, तो एक आध घूट और पी ले रहे हैं। तो आप इसके अलावा कोई भी लिक्विड नहीं ले रहे ना? इसके अलावा तो कोई लिक्विड में तो कोई सा चीज नहीं ले रहा सर। 5-5 मिनट चल रहे हर घंटे में? 5 घंटे पे। हाँ, अभी हर मिनट पे चल रहे हैं। कुछ आपको एनर्जी लगी, चुस्ती फुर्ती लगी, कुछ फर्क पड़ा? एनर्जी तो सर है बॉडी में पूरा। पहले से कितना है? पहले से काफी एनर्जी है सर। एक चीज है, जब डायलिसिस में करा के जिस दिन आता हूँ, उस दिन सर बहुत वीकनेस लगती है। और अभी कब करा है? कल कराया था, आज एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। कल वीकनेस लग रही थी? कल पूरा वीकनेस लग रही थी, रात भर मैं उठा नहीं, 3-4 पाई से है। अच्छा अच्छा अपना खाना वाना खा लिया कम से कम। हाँ, सब आपकी कृपा है सर। एक ही महीने के अंदर जो हमारा ये स्थिति आ गई है। नहीं, क्रिटिनाइन तो जब तक 2 के नीचे नहीं आएगा तब तक तो कुछ नहीं कह सकते ना। दो के नीचे आ जाएगा अभी 1-2 दिन में, अगली बार जाएंगे तो शायद 2 के नीचे भी आ जाएगा। डायलिसिस सर बंद हो जाए हमारी है,
यही मेहरबानी आपकी रहेगी। हफ्ते 10 दिन में हो जाना चाहिए। अगर आपका यूरिया भी अगर कंट्रोल, यूरिया तो आप बाद में कराते हैं ना, बात तो तब पता चलेगा जब यूरिया पहले कराएंगे, जाने करने से पहले। यूरिया 48 है, नॉर्मल है सर, चल रहा है एकदम। हाँ वो तो नॉर्मल चल रहा है, पर यूरिया आपका डायलिसिस कराने से पहले चेक करना होगा ना कितना आ रहा है। अच्छा, तो अगर उससे पहले भी आपका 50 के आसपास आए फिर तो बंद कर सकते हैं, पर जब तक वो यूरिया डायलिसिस, क्योंकि डायलिसिस में अगर यूरिया निकाल देते हैं तो फिर तो कोई फायदा नहीं ना, फिर तो बंद नहीं हो सकता। तो कभी चेक कराइएगा, 40s में आ गया, आप देखिएगा कि कभी एक मतलब हफ्ते 10 दिन के बाद एक बार यूरिया डायलिसिस से पहले चेक कराइएगा, फिर पता चलेगा। डायलिसिस से पहले करा, कल तो सर दिखाना है संजय गांधी मैम को सुबह। अच्छा अच्छा, कल अपार्टमेंट है हमारा। हाँ तो बताइए, दो चार लोगों तो बताइए और लोगों को। हाँ सर बता रहे हम। हाँ बहुत सर आपकी कृपा रही कम से कम। हाँ हमारी वाइफ बहुत खुश हुई है। क्या? हम बात कराते सर है, कोई बात नहीं। हेलो। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते, क्या हाल है? और आप सुनाइए। बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ गई है इनकी, मतलब रिपोर्ट तो मतलब है, मतलब पहले से बेटर है। तो अब आगे क्या है? देखिए अगले अगर यूरिया पहले चेक कराना पड़ेगा ना, यूरिया डायलिसिस से पहले चेक करा के देखना पड़ेगा। अगर 40 के नीचे आ गया तो फिर तो डायलिसिस बंद हो जाएगा, और अगर ये अभी ये 3 पर आ गया यूरिया और क्रिएटिनिन, डायलिसिस से पहले कम होना चाहिए। अगर डायलिसिस से पहले भी 2-3 के नीचे आ जाता है फिर तो बंद हो ही जाएगा 10-15 दिन में। कल हम लोगों ने कराया था, तो जैसे कि हम लोगों ने बाद में मतलब कराया, बाद वाला तो डायलिसिस से भी थोड़ा सा हो जाता है ना। हाँ, 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 तो उससे पहले करा के देखना पड़ेगा ना पहले कितना आ रहा है। अच्छा, अगर पहले 50-60 के आसपास आता है तो फिर हो जाएगा, 10-15 दिन में बंद हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये भी होता है, ऐसे भी होता है? हाँ ये 39 भी डायलिसिस से हो जाता है कम, वो भी कम हो जाता है, वो तो पहले देखना पड़ेगा ना पहले क्या आ रहा है। अच्छा अच्छा, क्योंकि अगर डायलिसिस से ही कम होगा फिर तो चलता रहेगा ना, डायलिसिस के बिना भी पहले कम होना चाहिए। जी जी हाँ, ये तो है। अच्छा नहीं तो हम जैसे कि इनका हम टोटल परहेज कर रहे हैं, मतलब इससे नहीं हुआ फर्क? हो सकता है इससे फर्क पड़ गया हो, पर जब तक वो उससे पहले का नहीं पता चलेगा ना कि पहले कितना आ रहा है तब तक कुछ नहीं कह सकते ना। जी जी, ये तो हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगर पहले का भी रिपोर्ट यही आ जाए फिर तो ठीक हो ही गया। अच्छा तो अब हमको कल एक जाना है, मतलब दिखाया है, तब फिर देखें वो क्या कहती है ना। हाँ तो शायद वो कल दोबारा चेक करेंगे ना, उसको देखेंगे कितना बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा, पर हो जाना चाहिए ठीक। मेरे ख्याल से 15 तारीख से पहले हो जाना चाहिए बंद। ठीक है, देखते हैं सर, तब दीजिए आशीर्वाद दीजिए भैया, सर ठीक हो जाए। जरूर जरूर होगा, ठीक लीजिए, बात कर लीजिए। जी सर जी, हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगा 15 तारीख तक, देखते हैं क्या होता है। कल चेक कराएंगे तो बताइएगा क्या रिपोर्ट आया। ठीक सर, ठीक है, थैंक यू। अच्छा नमस्ते सर।